बहुत पेन झेल रहा है एमएनएम फाइनेंशियल, जब से वो अपडेट आया आरबीआई की गाज गिरी, उसके बाद संभल के नहीं दिया। बीच में कुछ गोरों की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई जो खरीदारी करने के मौके रीआइटरेट बाय, कोई फर्क नहीं, पिटता ही चले जा रहा है। और मानस कह रहे हैं ये अभी भी वीकर विकेट है और प्रेशर माउंट होगा। 170 का पुट खरीद सकते हैं आप एमएनएम फाइनेंशियल्स का। रिविजिट करूंगा सारे ट्रेड्स। ये हो गए आज के सारे बढ़िया टॉप कॉल्स। शरद अवस्थी साहब जुड़ रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी कि एक ऐसा स्टॉक हाईलाइट कर दीजिए जो इस समय अट्रैक्टिव लग रहा है, यानी कि SMIFS का सबसे ज्यादा कन्विक्शन जिस आइडिया पे आ रहा है। शरद जी गुड मॉर्निंग, कौन सा स्टॉक? हाँ जी गुड मॉर्निंग, टाटा मोटर्स है हमारा हाई कन्विक्शन बेट इन वैल्यूएशंस पे। कंपनी का OEMs में, कंपनी का OEM स्पेस में इंडिया में CV और पैसेंजर व्हीकल्स में ठीक ठाक अच्छी पोजीशनिंग है। CV में तो लीडिंग पोजीशनिंग है, 40-42% मार्केट शेयर है। और इसके अलावा आप जो आपका JLR का बिजनेस है वो भी काफी अच्छा रैंप अप हो रहा है और वहां पे रिवर्सल की हमें उम्मीद है इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स। जो कॉन्सेप्ट कार CV में उन्होंने लॉन्च की, चाहे वो नेक्सन हो, चाहे कर्व हो, या अविन्या नेक्सन EV मैक्स हो, या शोकेस की जो कॉन्सेप्ट कार कर्व और अविन्या, उसमें भी हमें लगता है काफी बढ़िया ट्रैक्शन आनी चाहिए। टियागो की लॉन्च भी काफी सक्सेसफुल रहनी चाहिए। इसके अलावा जो रीफोकस और री इमेजिन प्रोग्राम करके वो JLR में लगातार कॉस्ट में कमी ला रहे हैं, उसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि अगले 2-3 सालों में ये तीनों सेगमेंट्स काफी बढ़िया परफॉर्म करेंगे। CVs, पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अर्बन मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह के ऑर्डर्स हैं इनके पास। अभी IOC से कुछ फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी ऑर्डर्स इनको मिले हैं। और कंपनी को लॉजिस्टिक्स में भी लगभग 39,000 ई कॉमर्स कस्टमर्स के पास से उनको ऑर्डर मिले हैं 39,000 यूनिट्स के। तो नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए उन्होंने CV में, तो ये सबका फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। और ग्रेजुअली हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे JLR की स्थिति सुधरती है, क्योंकि वहां करीब 2 लाख यूनिट्स का ऑर्डर उनके पास ऑलरेडी है, उसमें से ज्यादातर ऑर्डर्स नए वाले रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर के हैं, तो उसका उनको फायदा मिलना चाहिए। और लॉजिस्टिक इश्यूज अब लगभग रिजॉल्व हो गए हैं, तो हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में अर्निंग्स रेवेन्यू में करीब 19% की CAGR रहेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी में तो लॉस टू प्रॉफिट है, बट FY24 में लगभग 60-70% की ग्रोथ आनी चाहिए। उस हिसाब से EPS करीब 40 रुपए के आसपास आनी चाहिए। 15 का मल्टीपल मुझे लगता है इस कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 600 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से टाटा मोटर्स हमारी टेक ऑफ द डे। 600 मतलब अच्छा खासा एग्रेसिव बेट हो सकता है।